सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। बीएसटीसी बीएड मामले में बड़ी राहत मिली है। प्राथमिक शिक्षा में टीचर्स के लिए बीएड जो है वो शामिल नहीं होंगे और राज्य सरकार की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। टीचर थर्ड ग्रेड में डिप्लोमाधारी ही योग्य माने जाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निजाम कटारिया हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। निजाम, राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्या ये राहत है और क्या किस तरीके से थर्ड ग्रेड टीचर्स को इससे सहूलत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए अंकुर, ये फैसला जो है अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल राजस्थान सरकार के लिए, न केवल बीएसटीसी धारकों के लिए, जो राजस्थान के जो कह सकते हैं कि लाखों धारक जो हैं जिनके पास बीएसटीसी है और जिनके पास या कह सकते हैं डिप्लोमाधारी जो अभ्यर्थी हैं उनको ये सुप्रीम राहत कह सकते हैं। इसके अलावा इस फैसले का सबसे बड़ा असर देश के सभी राज्यों की प्राथमिक शिक्षा में होने वाली भर्ती पर भी होगा। ये फैसला, जैसे कि ये पूरा फैसला आता है बाहर उसके बाद इसकी स्थिति सामने होगी, लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है कि इसको इससे सिंपल तरीके से हम अगर अभ्यर्थियों को अगर जनता को समझाएं तो ये है कि जितने भी बीएसटीसी धारक हैं या जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो टीचर्स भर्ती होती है, प्राथमिक स्कूलों के लिए जो टीचर्स भर्ती होती है उसमें बीएसटीसी धारक ही शामिल होंगे। जो बीएड धारक हैं उनके लिए चूंकि रास्ते बहुत सारे इसमें ओपन होते हैं, वो किसी में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल जो बीएसटीसी धारक है उनको ही मान्य माना गया है। ये बीएसटीसी धारकों के लिए, क्योंकि बीएसटीसी धारक ना तो इससे सेकेंड ग्रेड और ना ही दूसरी जो सीनियर कह सकते हैं सीनियर जो स्कूलों के लिए जो होने वाली भर्ती होती है उसमें वो शामिल नहीं हो सकते। उनके लिए सिर्फ एक ही जगह होती है और वो होती है प्राथमिक शिक्षा के लिए होने वाली टीचर भर्ती में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया इस मामले में कि बीएड धारक जो हैं वो यहाँ पे दावा नहीं कर सकते, वो जब जब उनके लिए अलग अलग स्थितियां हैं तो वो नीचे इस प्राथमिक शिक्षा के लिए टीचरों की भर्ती में दावा नहीं कर सकते। और ये दावा जो याचिका थी बीएड धारकों की, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया, उस फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही जो बीएड धारकों की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। इसके साथ ही देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो राजस्थान सरकार की कह सकते हैं केंद्र सरकार के ऊपर भी ये बहुत बड़ी जीत है। चौथा जो सबसे बेहद अहम महत्वपूर्ण बिंदु है अंकुर, वो ये है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के मामले में जो डिप्लोमाधारी और बीएसटीसीधारी जो अभ्यर्थी हैं वो ही मान्य है, तो अगर ये फैसला पूरे देश के राज्यों में अगर होने वाली प्राथमिक शिक्षा की भर्ती पे लागू होता है तो ये उन लाखों कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए जो डिप्लोमाधारी है जिनके लिए रास्ते सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के अलावा कहीं रह नहीं जाते उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो कह सकते हैं कि, और साथ ही राजस्थान के लिए तो बेशक ये एक जैसे कह सकते हैं नजीर जो है। बिल्कुल निजाम, राजस्थान के लिए और लाखों थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए एक बड़ी सौगात है और बड़ी जीत है। ठीक है निजाम, आप बने रहेगा हमारे साथ एक और बड़े